उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा के जयपुर हाउस के जैन समाज ने डॉक्टर सुरेश चंद जैन जी को भावभीनी विदाई दी। डॉक्टर सुरेश चंद जैन जी मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज के कर कमलों से दिसंबर माह में जैनेश्वरी दीक्षा लेने वाले हैं। इससे पूर्व श्री शिखर जी में प्रभु दर्शन करने के निमित्त से उन्होंने 20 नवम्बर की सुबह अपना घर त्याग कर वैराग्य पथ पर अपने कदम बढ़ाए। इस अवसर पर श्री जैन परिवार सहित नगर का पूरा जैन समाज उन्हें विदाई देने के लिए एकत्रित हुआ। आंखें नम थीं, भाव असमंजस में थे। अब तक जिस वृक्ष की छांव में बचपन से लेकर उम्र का एक परिपक्व हिस्सा बीता, वो वट वृक्ष अपने आंगन की सीमा तोड़ संसार को ज्ञान की छांव देने के लिए आगे बढ़ने निकल रहा था। कुछ ऐसा हाल था डॉक्टर सुरेश चंद्र जैन के परिवार के सदस्यों का। बेटे बहू भावुक होकर पिता को देख रहे थे। बहन की आंखें नम थी। पोते पोती निश्चल भावों के साथ बाबा को बाय कह रहे थे और जीवन प्रसाद निभाने का वादा करने वाली जीवन संगनी निशब्द होकर उन्हें जाते देख रही थी। 20 नवंबर की सुबह के ये दृश्य हर मन को भावुक करने वाले थे। जब डॉक्टर सुरेश चंद्र जैन जी ने अपनी जैनेश्वरी दीक्षा से पूर्व अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ा, डॉक्टर सुरेश चंद्र जैन जी 18 दिसंबर को दिल्ली के लाल किला में मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज के कर कमलों से जैनेश्वरी दीक्षा लेंगे। दीक्षा से पूर्व श्री समीर शिखर जी में प्रभु वंदना के उद्देश्य से उन्होंने 20 नवंबर को आगरा के जयपुर हाउस स्थित अपने घर से हमेशा के लिए विदा ली। विदा लेने से पहले उन्होंने टीचर्स कॉलोनी स्थित श्री शांतिना दिगम्बर जैन मंदिर में प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। अभिषेक एवं शांति धारा के साथ उन्होंने आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के सानिध्य में विधान पूजन में सहभागिता कर अपने कर्मों की निर्जरा की। इस दौरान उनके परिवार और समाज के अन्य लोग भी पूजन में सहभागिता कर रहे थे। इस मंदिर जी में अंतिम बार गृहस्थ श्रावक की तरह पूजन करने के बाद डॉक्टर सुरेश जैन जी श्री समीर शिखर जी की ओर निकलने के लिए घर की ओर रवाना हुए। इस दौरान उपस्थित जैन समाज के लोग भाव विभोर होकर उन्हें विदा दे रहे थे। इस दौरान समाज के लोगों ने डॉक्टर सुरेश जैन जी की दीक्षा और विदाई के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन मेरा परिचय जब भी मैं आगरा में रहा उनसे बहुत पुराना है। इतना सरल स्वभाव और इतना उनका जो व्यक्तित्व है, सरलता का एकदम से सरल और तरल किस्म के व्यक्तित्व के धनी थे, तो हम लोगों के लिए तो आश्चर्य, पहले शुरू में आश्चर्य हुआ कि ये इतने बड़े प्रतिष्ठान के स्वामी और जिनके साथ उनका परिवार जुड़ा हुआ है और हम सब जुड़े हुए हैं और इतनी बड़ी दीक्षा दीक्षित होकर और साधु के सीधे उसमें जाएंगे, तो ये आश्चर्य भी था हम लोगों के लिए और एक गर्व का अनुभव भी है कि हमारी समाज से इस तरह के हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व मौजूद हैं। और उनका जाना, साधु बनने के लिए जाना, एक हमारी समाज के लिए कुछ इस तरह से फील होता है जैसे एक हमारी पारिवारिक कोई व्यक्ति निकल के घर से जा रहा हो, लेकिन वो गर्व की जो अनुभूति होती है उससे हमारी वो भावनाएं उधर तब जाती है। शुभकामना जी है कि उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया है, तो ये शुभकामना के रूप में हम क्या दे सकते हैं। शुभकामना वो उन्हीं की शुभकामना, उन्हीं के आशीर्वाद से ही सभी लोगों को एक धर्म में बढ़ने के लिए शिक्षा मिलती है और उनके रास्ते पर सभी चलने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। और बस ये कि उनकी जो दीक्षा लेने जा रहे हैं सफलतापूर्वक आ गए अपने जीवन में, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं मोक्ष पद, तो उसको प्राप्त करें। 1990 में जयपुर हाउस में आए थे, उसके बाद जयपुर हाउस में जैन मंदिर का निर्माण हुआ, तो 2000 में हम डॉक्टर साहब से जुड़े और 2006 में मुनि बिहार सागर जी महाराज का चतुर्मास हुआ था, उसमें 10 दिन का महाराज के साथ इनका साथ में रहे थे ये। तो डॉक्टर साहब से जब से ही एकदम चेंज आया और उनके मन में जब से ही ऐसे भाव आने लगे उन्हें कुछ बनना है, तो वो जब से ही डॉक्टर साहब के साथ आया और उनमें जब तक चेंज आता ही रहा है। और आज ये ऐसा मौका, खुशी का मौका है कि इन्होंने मुनि दीक्षा का कार्यक्रम उनका 18 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रहा है और ऐसे शुभ अवसर पर हम उनके साथ। जयपुर हाउस के लिए, संपूर्ण आगरा के लिए गौरवशाली पर है,
लेकिन दिल अंदर से बिल्कुल भरा हुआ है कि हमें छोड़ के जा रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा मार्ग है, परमात्मा से मिलन का मार्ग है। हम उनके सुखद अनुमोदना करते हैं कि उनका आगे भविष्य बहुत ही उज्ज्वल हो। मैं सभी दर्शकगण से ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा मतलब सुखद परमात्मा से मिलने का एक मार्ग है, और हम सभी को डॉक्टर साहब से और मानक चंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी इस मार्ग पे पढ़ना आगे बढ़ना चाहिए और चलना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मंदिर से निकलकर घर पहुंचने के बाद डॉक्टर सुरेश चंद्र जैन जी ने जिनवाणी चैनल के समक्ष बात करते हुए बताया कि जैनेश्वरी दीक्षा का निर्णय लेने का उद्देश्य क्या था। हम समाज में है, अपने परिवार में है, तो निश्चित रूप से जब एक साथ सब लोग रहते हैं, परिवार है हमारा, सब कुछ है, तो मोह होना स्वाभाविक है, है ना। लेकिन हमारा जो धर्म है, जैन धर्म है, उसमें राग द्वेष मोह इसी को छोड़ना है। ये सब छोड़ के, सब परिग्रह छोड़ के, बिल्कुल घर मकान दुकान जो भी एवरीथिंग सब अपने, इवन जब दीक्षा लेंगे तब तो हमारे पास अपने लिए एक चिंधी भी नहीं होगी। तो इतना सब कुछ परिग्रह त्याग करने के बाद ही हम अपने कर्मों के आश्रव को रोक सकते हैं, जो निरंतर मोह के, राग के, द्वेष के कारण जो रोज़ कर्म हमारे अंदर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, कर्मों का आश्रव हो रहा है, समय समय पर उनका जो है वो जो उदय में आके झड़ भी रहे हैं, लेकिन नए कर्मों का आश्रव ना हो और हमारे जो भवांतर का जो वो बकाया है, अभी तो जन्म पता नहीं कितने जन्म मरण करते हैं, तो वो भव हमारे कम हो और हमें शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो, बस यही एक जो है निदान है। साथ ही उन्होंने बताया कि दीक्षा के बाद पूरा भारत उनका परिवार होगा। जब 18 तारीख को दिसंबर 18 दिसंबर को हमारी दीक्षा होनी है, जब दीक्षा हो जाएगी उसके बाद तो सभी सारा भारत हमारा परिवार होगा। बाकी जो है फिर तो हर घर हमारा है, हर परिवार हमारा है, हर परिवार में ये परिवार भी हमारा सब उसी में सम्मिलित हो गया, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। और जो है हमारे यहाँ तो जितने तीर्थंकर हैं, राजा थे, सब राजाओं ने अपने राजपद छोड़ छोड़ के, अगर जो है ऐसा नहीं होता तो तीर्थंकर जो है वो सारी अपनी विभूतियाँ छोड़ के और त्याग तपस्या क्यों करते, है ना। ये मार्ग उन्हीं के द्वारा दिखाया गया है और आगम की वाणी है, आगम जो हमारे साक्षात सर्वज्ञ देव ने जो हमें बताया है उन्हीं के मार्ग पे चलना है, हमें उन्हीं के मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेश जैन जी ने परिवार के सदस्यों के भावों और परिवार के सहयोग के बारे में भी बताया। ये तो भाई साथ रह रहे हैं, सब प्यार है, सब बच्चे अपने साथ हैं, सब अपने बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से अटैचमेंट तो है ही, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन समय अपने आप सब चीज़ें समझा देता है। जब समय से इन बच्चों को भी अब पहले वाली स्थिति नहीं है, अब तो काफ़ी कंट्रोल्ड हैं ये, अब इनको ये एहसास हो गया कि मुझे जाना ही है, है ना। सबने सहज स्वीकृति भी दे दी है, तो अब ये है कि अब तो समय थोड़ा सा लगता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। परिवार का सहयोग बहुत आवश्यक है, बिना परिवार के सहयोग के तो हम कुछ कर नहीं सकते। मैं कई साल से अपने व्रतों का निर्वाह यहाँ कर रहा हूँ, उसमें विशेषकर हमारी बहू ने, इनकी बदौलत ही वो मेरे व्रत जो हैं वो पल पाए, मतलब क्योंकि सात प्रतिमा में शुद्ध भोजन बनाना, सब हाथ मतलब जो है घर का आटा, घर के मसाले, घर का घी, एवरीथिंग सब घर का, और समय से सब चीज़ उसी हिसाब से सब कुछ देखना करना, ये जो है मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे जो है ऐसी बहू मिली। इसके साथ ही डॉक्टर जैन ने दीक्षा लेने की प्रेरणा के संदर्भ में बताते हुए अधिकतम लोगों को कल्याण के मार्ग पर चलने की अपील की। गुरुदेव की वजह से ही मतलब जो है मैं 2006 से जुड़ा, सब आपको मालूम ही है ये सब चीज़ें। जब शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उससे भी बहुत अपने अंदर बदलाव आता है। स्वाध्याय के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, गुरु बिहार सागर जी के माध्यम से, सभी से हमें लगता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, जैन धर्म के अनुसार हमें कहाँ होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो उस हिसाब से जो उचित है वही निर्णय मैंने लिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग जो भी हैं, सभी लोग कम से कम जो है इस मार्ग पे जितना जहाँ तक चल सकें चलें,
जरूरी नहीं दीक्षा लें, जहाँ तक चल सके चलना चाहिए। और अपना कल्याण, अपनी आत्मा का कल्याण का मार्ग सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है जिससे मोक्ष पद को प्राप्त किया जा सकता है। अब आया क्षण उस घर को छोड़ने का जिसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। बहुत ही भावुक था वो पल जब वे सभी रिश्ते नातों और समाज से सहर्ष विदा लेकर जाने लगे। परिवार के साथ पूरा समाज डॉक्टर सुरेश चंद्र जैन जी की अनुमोदना करने के लिए फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें विदा देने के लिए एकत्रित हुआ। विदाई के दौरान उनकी पुत्रवधु ने नम आंखों से उनको विदा देते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। जो पापा जी ने मन में सोच रखा था आज वो दिन आ गया था, और आज वो अपने मार्ग पे निकलने के लिए आज जा रहे हैं वो अपने मार्ग पे, और पापा जी का भी पूरा सहयोग रहता था इसमें, ऐसा मेरा कोई इसमें श्रेय नहीं रहा। उनके सहयोग से ही मैं ये सब कर पाती थी उनके साथ में, और आज वो दिन आ ही गया है कि वो आज जा रहे हैं हम सबको छोड़ के। उन्होंने मन में ठान ली थी, फिर हमने भी मन में मान लिया कि अब वो मन नहीं मानेंगे, तो हम लोगों ने भी अपना मन मना ही लिया। शुरुआत में तो हम लोग भी नहीं थे एग्री, फिर हमने सोचा कि उनको इस मार्ग पे चलना ही है, तो फिर हम लोगों को भी मानना पड़ा कि उन्हें इस मार्ग पे निकलना ही है। गृहस्थ जीवन के परिवार सहित समाज के लोगों से विदा लेकर दीक्षार्थी डॉक्टर सुरेश चंद्र जैन जी ने श्री समीर शिखर जी के लिए प्रस्थान किया। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।